जमानिया क्षेत्र के महिला महाविद्यालय में सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने छात्राओं को महिला सशक्तिकरण और एंटी रोमियो के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि प्रायः सभी थाने में महिला हेल्प डेस्क संचालित है। यदि कोई किसी महिला बालिका को कोई परेशान करे, छेड़छाड़ करने का प्रयास या उत्पीड़न करे तो पीड़ित महिला बालिकाएं यहां महिला पुलिसकर्मी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तत्काल दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी महिला बालिका को कोई समस्या आती है तो उनकी सुरक्षा के लिए 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन संचालित है। इन नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं। समस्या को गंभीरता पूर्वक लेते हुए तत्काल निराकरण किया जाएगा। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट के अवसर पर गहमर के करहिया स्थित मां कामाख्या धाम और रेवतीपुर में स्थित मां भगवती मंदिर में भव्य आरती के साथ ही मां को 65 व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस मौके पर जिले के साथ ही अन्य जनपदों के बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। श्रद्धालुओं में भंडारा के प्रसाद का वितरण किया गया, जिसे पाकर भक्त निहाल हो गए। भक्तों द्वारा माँ के जयकारे से समूचा वातावरण गूंजता रहा। परंपरा के अनुसार दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा अन्नकूट का आयोजन होता है। इस मौके पर विभिन्न प्रकार के 56 व्यंजन से माँ का भोग लगाने के बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। ये परंपरा दशकों से चली आ रही है। माँ भगवती मंदिर पर पूजा के दौरान गोपाल राय, सूरज कुमार, रजनीश पांडे, शिवम पांडे, संजय राय सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। दीपावली के अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की तरफ से पुलिस लाइन परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SP ने सपरिवार रिक्रूट आरक्षियों के साथ पर्व मनाया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को शुभकामना दी। रिक्रूट आरक्षियों को उनके भविष्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए मेहनत और लगन के साथ प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में SP श्री सिंह ने मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है एक गीत सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपीनाथ सोनी, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला, क्षेत्राधिकारी लाइन प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन के साथ ही अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सोहल थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में गाजीपुर जमनिया मार्ग पर स्थित महुआ बाबा मंदिर मोड़ पर रविवार की देर रात करीब 2:30 बजे जमनिया की तरफ से 11 मजदूरों को लेकर आ रही तेज रफ्तार सुमो पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में वाहन में सवार सभी घायल चीख पुकार करने लगे। आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दे सभी को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां मुजफ्फरपुर निवासी उमेश महतो 44 और नसीम 36 की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक बिंद कुमार ने बताया कि शवों को कब्जे में ले लिया गया है। मृतकों के साथ ही घायलों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। उधर घटनास्थल के आसपास के लोगों का कहना था कि ये सूखा पेड़ काल के रूप में खड़ा है। अभी तक इस पेड़ से करीब 20 वाहन टकरा चुके हैं, जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। रेवतीपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर स्थित एक पान की दुकान में दीपावली की रात रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। इस घटना में 7,000 नकदी सहित हजारों का सामान जलकर राख हो गया। मालूम हो कि मानिकचंद चौरसिया की बस स्टैंड के पास गुमती में पान की दुकान थी। रोज की तरह दीपावली की देर शाम पूजा पाठ करने के बाद वो घर चला गया। रात में किसी समय रहस्यमय परिस्थितियों में गुमती में आग लग गई। भोर में जब आसपास के लोगों की नजर आग पर पड़ी तो उन्होंने इसकी जानकारी दुकानदार को दी। कुछ ही देर बाद दुकानदार वहां पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीड़ित मानिकचंद ने बताया कि आग की इस घटना में 7,000 नकदी सहित करीब 15,000 का पान मसाला, बिस्किट, टॉफी आदि सामान जल गया। गौरतलब है कि पीड़ित इसी दुकान के सहारे परिवार का भरण पोषण करता था। दुकान जलकर पूरी तरह से खत्म होने के बाद उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।